ल अब हामी यता ध्यान दिउँ, यहाँ ध्यान, क्वेसन इम्पोर्टेन्ट छ रे, बिबिया चाहिँ बुढबाहरू सोध्दै गर्छ। हेर, अ पोइन्ट मुभ सो द्याट द सम अफ इट डिस्टेन्स फ्रम द पोइन्ट, दुगो पोइन्ट छ यो र यो, ठिक छ, के कमा जिरो र माइनस के कमा जिरो, माइनस के कमा जिरो र के कमा जिरो म नर्मल यसरी पोइन्ट ड्रो गरेँ, यसको नाम ए हालिदिएँ, यसको नाम बी हालिदिएँ, ठिक छ, आ कहीँ दूर लोकस पोइन्ट छ एक्स कमा वाई, र यहाँबाट यसको डिस्टेन्स, यहाँबाट यसको डिस्टेन्स, अ पोइन्ट मुभ सो द्याट द सम अफ इट डिस्टेन्स फ्रम द दिस एन्ड दिस इज टू ए, मतलब हियर कन्डिसनले के भन्छ, पिए प्लस पिबी बराबर टू ए छ, यो यो सिचुएसन दिइरहेको छ, यसको डिस्टेन्स र यस्टुको डिस्टेन्स जोड्छु भने टू एको बराबर हुन्छ, छुट्काएछ, अनि यसलाई सल्भ गर्छ भने हाम्रो लोकसको इक्वेसन यति आउनु पऱ्यो, लोकसको इक्वेसन कति आउनु पऱ्यो, यति आउनु पऱ्यो, र गिभन के छ, बी स्क्वायर छ नि यहाँको, यसको भ्यालु ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर छ, गिभन के छ, जे यहाँको बी स्क्वायर छ त्यसको भ्यालु ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर छ, यति कुरा दिएको छ, त सेम कुरा त्यही गर्छु, डिस्टेन्स फर्मुला लगाउँछु र सल्भ गर्दै जान्छु, के गर्छु, डिस्टेन्स फर्मुला लगाउँछु, अर पिएको डिस्टेन्स निकाल, पिए एक्स प्लस के को होल स्क्वायर रुट अन्डरमा एक्स प्लस के को होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस जिरोको होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस भइहाल्छ, माइनस माइनस के भइहाल्छ, प्लस भइहाल्छ, एक्स टू माइनस एक्स वान छ नि, एक्स टू माइनस एक्स वान छ, देख एक्स माइनस अब माइनस के त माइनस माइनस प्लस भइहाल्छ, एक्स प्लस के, त कति दिनसम्म यो गरौँ, अब तिमीहरू अलिक क्विक हुने बुझ्ने, ठिक छ, ओके, प्लस वाट वाई स्क्वायर बरा, अब प्लस पिबी त एक्स माइनस के हावा भने एक्स माइनस के होल स्क्वायर उहे बेटा प्लस वाट वाई स्क्वायर बराबर टू ए, हिजो कसरी सल्भ गरेँ, दुगो रुट छ त, एउटालाई के पाका पठाइदिन्छु अर्को साइड, अनि स्क्वायरिङ गर्छु, यही साइड स्क्वायरिङ गर्नु न फँसिहाल्छ, अर रुट अन्डर एक्स प्लस के को होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर टू ए माइनस रुट अन्डर एक्स माइनस के को होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब के गर्नु पऱ्यो, स्क्वायरिङ बोथ साइड, अब स्क्वायरिङ गर्छ भने रुट हटिहाल्छ यहाँबाट, ले सर्टकट मारिरहेको छु नि आज, पुरा स्टेप वाइज लेखिदिन्छु, एक्स प्लस के को होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायरको होल स्क्वायर बराबर टू ए माइनस रुट एक्स माइनस के को होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायरको होल, यहाँसम्म सब समझमा आयो, क्लियर छ, अब यसभन्दा अगाडि हामी गर्छौँ, ल अब यति पार्टलाई सल्भ गर्छु, त्यो यो स्क्वायरले यो रुटलाई हटाइदिन्छ, अर्थ बनिहाल्छ के, एक्स प्लस के को होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, यहाँ हेर ए यो ए ए माइनस बीको होल स्क्वायरको फर्ममा जान्छ, ए स्क्वायर त टू ए को होल स्क्वायर माइनस टू एबी, टू ए को ठाउँमा के छ टू ए, बीको ठाउँमा यति पार्ट छ त्यो जस्ताको त्यस्तै लेखिहाल्छु, एक्स माइनस के को होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस टू एबी अब प्लस बी स्क्वायरको ठाउँमा यसको स्क्वायर रुट अन्डर एक्स माइनस के को होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायरको होल स्क्वायर, अब उसको अगाडि सल्भ गर, यहाँ फर्मुला लगाएको थिएँ, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स के प्लस के स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ दुनिया चार ए स्क्वायर टू टू फोर ए रुट अन्डर एक्स माइनस के को होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, स्क्वायरले रुटलाई हटाइदिन्छ अनि भित्रको म फर्मुला डाइरेक्ट लगाइरहेको छु, एक्स स्क्वायर माइनस टू के एक्स प्लस के स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ले अब जे जे लेफ्ट राइटमा गर्छ सबै वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायरलाई सबभन्दा पहिला काटिदिए, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायरलाई काटिदिए, अझै के स्क्वायर के स्क्वायरलाई काटिदिए, अब जे बचिहाल्यो सबलाई लेखिहाल, टू एक्स के हेर यहाँ माइनस टू एक्स के यता आउँछ त प्लस टू एक्स के प्लस टू एक्स के अझै के बच्छ भन्ने छैन उता बचियो फोर ए स्क्वायर माइनस फोर ए रुट अन्डर एक्स माइनस के को होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सर दु प्लस दु फोर एक्स के स्क्वायर टू फोर ए स्क्वायर माइनस फोर ए रुट अन्डर एक्स माइनस के को होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब ध्यान दे दुवै सर चार चार छ कमन कटिहाल्छ चारलाई म हटाइरहेको छु, एक्स के बराबर ए स्क्वायर माइनस ए रुट अन्डर एक्स माइनस के को होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब ध्यान दे फेरि मलाई रुट हटाउनु छ के गर्छु, योवाला ए स्क्वायर छ नि यसलाई यो साइड लगाएँ चाहे योवाला एक्स केलाई अर्को साइड लाग्दैन के गरेर यसलाई अकेला गर्नुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ यसलाई अकेला गर्नुहुन्छ, फेरि यो माइनसमा छ यसलाई प्लस बनाउँछु भने यो साइड लगाउँछु आ यसलाई उता पठाइदिन्छु, यो बनिहाल्छ के ए रुट
एक्स माइनस के को होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस एक्स के। यो बात बुझे कि बुझे न, एक्स के लिए उता पठाई दिए इस यता पठाई दिए भयो। अब फेरि स्क्वायरिंग गर्छु, के गर्छु फेरि, अब हामी स्क्वायरिंग गर्छु, फेरि स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब स्क्वायरिंग गर्छ ए को स्क्वायर ए स्क्वायर रुट हटाइदिन्छ स्क्वायरले, त एक्स माइनस के को होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस एक्स के को होल स्क्वायर। अब फेरि फर्मुला लगा आंसर निकाल, और ए स्क्वायर को ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस टू के एक्स प्लस वाट के स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर ए माइनस बी को होल स्क्वायर, ए स्क्वायर को होल स्क्वायर ए को पावर फोर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर भाई। यहाँसम्म समझ में आया, ले के कर सकते पहला मल्टीप्लाई कर, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड टू के एक्स, तो टू अगर लिख दे टू के एक्स प्लस ए स्क्वायर के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर एक बार फोर माइनस टू ए स्क्वायर एक्स के प्लस एक्स स्क्वायर के स्क्वायर। ले अब फिर यहाँ के कर काटे, अब जो बचो सब लेख हमें, अब हेर यहाँसम्म त हामीले यो पार्ट कटिहाल्यो, जे पार्ट बच्यो त्यो लेख, और ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर यता जे बच्यो ए को पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर के स्क्वायर, यहाँसम्म भइहाल्यो। अब हेर क्वेश्चनमा के दिएछ, प्रुफ गर्न के दिएछ हामीलाई, हेर प्रुफ गर्न दिएछ एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर र बी स्क्वायर बराबर वन हुन्छ, यो प्रुफ गर्नु, यो इक्वेसन यो आउँछ, यो प्रुफ गर्नु छ। जहाँ हामीलाई के दियो बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, बी स्क्वायरको भ्यालु ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर छ, त्यो भ्यालु दिएछ दिएछ। यो दुईवटा कुरा हेर, यो मलाई प्रुफ गर्नु छ, यो कन्डिसन एउटा दिएछ क्वेसनमा दिएछ यो कुरा, ठिक छ। अब हेर बी स्क्वायर बराबर त ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, योवाला फर्मेटमा लाउँछु अब यहाँ, हेर कुन दुवैलाई, हेर म के गर्छु ए स्क्वायरलाई यहीँ छोडिरहेको छु, यसलाई उता पठाउँछु, हेर यसलाई के गर्छु यो पार्टलाई उता पठाउँछु र यो पार्टलाई यता लाउँछु, हेर के गरिरहेको छ, हेर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर के स्क्वायर छ, यो दुवैलाई हेर पहिला ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के स्क्वायरलाई यसलाई उठाएर यसको निर लाएँ यति काम गरेँ प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायरलाई जस्ताको त्यस्तै लेखेर यसलाई उता पठाइरहेको छु ए को पावर फोर माइनस ए स्क्वायर के स्क्वायर, यति काम पहिला गरेँ मैले, ठिक छ। अब हेर यो दुवै केही कमन छ, एक्स स्क्वायर कमन छ भने चाहिँ के हाल्यो ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायरलाई जेनेको त्यो नै लेखेँ, यहाँ पनि केही कमन छ ए स्क्वायर बच्ची के हाल्यो ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। अब ध्यान दे कन्डिसनमा के दिएछ ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायरको भ्यालु बी स्क्वायर, त त्यसको ठाउँमा बी स्क्वायर राखिदिन्छु मैले, के गरेँ सोचेँ पहिले यो कहाँ कहाँमा कमन आउँछ त्यसैले यसरी उल्टा पल्टा गरेँ, अर ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायरको ठाउँमा एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब ध्यान से कुरा गर, मेरो के लाउँछ वन लाउँछ, यहाँ वन कसरी आउँछ म दुबै साइडमा ए स्क्वायर बी स्क्वायरले डिभाइड गर्छु तब नै यो वन आउँछ, किनकि मेरो यहाँ वन छ नि, वन लाउने तरिका के छ डिभाइडिङ बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर अन बोथ साइड, और एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर डिभाइड बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर है, यो कटिहाल्छ, यो कटिहाल्छ, यहाँ ए स्क्वायर कटिहाल्छ, यहाँ बी स्क्वायर बी स्क्वायर गर्छ, और एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर वन प्रुफ।